हेलो एल वेलकम फ्रेंड, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आपके पास भी Redmi या MI का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है और आप उसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन को पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप Redmi के किसी भी मोबाइल के अंदर पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों अगर आपके पास भी Redmi का फ़ोन है और आप उसमें इंस्टॉल्ड किसी भी एप्लीकेशन को पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर चले जाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ चले जाना है और नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऐप लॉक के ऑप्शन पर आपको चले जाना है और ऐप लॉक के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर आपको चार डॉट का कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना। हम यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड सेट कर लेते हैं पैटर्न लॉक, तो जैसा कि इसको दो बार हम सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड और नोट नाव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको नोट नाव पर क्लिक कर देना है। तो नोट नाव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आपको जिस भी एप्लीकेशन पर पैटर्न लॉक लगाना है उस एप्लीकेशन को यहाँ सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर करके ऐप को दिखा दे रहे हैं, हमने गैलरी वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया है। और जिस भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करना चाहें आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को बैक कर देना है या होम बटन आपको प्रेस कर देना है तो ये ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। अब जिस भी एप्लीकेशन को आप इस ऑन करने के बाद इंस्टॉल ओपन करेंगे तो वो अपने आप पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।